हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल बायसेक्टर, प्रॉपर्टी। एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। देखो, एंगल एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? सपोज इसमें एक ट्रायंगल रहेगा, सपोज ए ट्रायंगल दिया है, सपोज ए ट्रायंगल एबीसी है। क्या हाँ है ट्रायंगल एबीसी है? ए बी और सी है, और इसमें क्या एक बायसेक्टर निकालता हूँ ए से। ए से जो बायसेक्टर निकाला है, एंगल बायसेक्टर, वो बीसी को क्या कर रहा है? पी पॉइंट में कट कर रहा है, पी पॉइंट में कट कर रहा है। हाँ, तो हाँ एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कैसा है? देखो, इनकी जो एंगल बायसेक्टर है एपी, वो बीसी को क्या करेगा? इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि डिवाइड बीसी करता को, हाँ, इक्वली डिवाइड करेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? बीपी, बी पॉइंट पकड़ा मैंने, बीपी अपॉन पीसी। हाँ, हाँ क्या? और इधर के पॉइंट। दोनों एंगल, इधर के दोनों एंगल भी इक्वल रहते हैं, तो उसी की वजह से जो बी पॉइंट पकड़ा है मैंने, बी पॉइंट पकड़ के क्या लिखा है? बीपी अपॉन पीसी। और बी पॉइंट पकड़ के हम जो जिसने एंगल बनाया है, जो साइड्स ने, वो भी इक्वल रहेगा। इनकी हम क्या लिखेंगे? बी ए अपॉन ए सी लिखेंगे। आएगा समझ में? हाँ बी ए अपॉन ए सी। तो क्या है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? जो एंगल क्या कर रहा है, जो एंगल बाइसेक्टर है, वो बीसी को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो आप बी पकड़ के लिखेंगे, बी पकड़ के, बीपी अपॉन पी सी इज इक्वल टू, बीच में क्या रहेगा? इज इक्वल टू, जो पॉइंट बी पकड़ा है, बी पकड़ के साइड इक्वल रखेंगे, बी ए अपॉन ए सी। आया समझ में? ऐसी। हाँ सपोज हमने सी पॉइंट पकड़ा रहता, सी पॉइंट पकड़ा रहता, तो कैसे लिखते हैं? सी पी अपॉन पी बी, पी अपॉन बी इज इक्वल टू एबी सी ए अपॉन ए बी, सी ए एबी। अपॉन ए बी। आया क्या समझ में? ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको, तो ही वो बराबर है। आया क्या समझ में? तो हाँ सर मैंने तो कुछ अभी लाइन इधर पॉइंट क्या, पकड़ा है सका। तो देखो प्रॉब्लम क्या दिया है इसमें? गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, है ना, कुछ ट्रायंगल्स दिया है, एंड लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स लाइन सेगमेंट दिया है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। हमें क्या दिखाना है? रे पी एम, जो रे पी एम दिख रहा है ना इसमें, वो क्या दिखाना है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर दिखाना है। जो रे पी एम है ना, ये जो रे पी एम दिख रहा है, वो क्या दिखाना है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ऐसा दिखाना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। आए क्या समझ में? तो हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या है, अभी हमें मालूम नहीं है कि पीएम क्यूपीआर का बायसेक्टर है क्या नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है। वो हमें क्या करना है, वो दिखाना है ना, रे पीएम इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल। हाँ, तो हम क्या करेंगे? पहला रेशियो लेंगे क्यूएम अपॉन एम आर। क्या लेंगे रेशियो? क्यू एम अपॉन एम आर। हाँ, बराबर ना? क्यू एम हाँ अपॉन एम आर। क्यू एम कितना है? 3.5, और एम आर कितना है? 1.5। पॉइंट शिफ्टिंग करो तो ऊपर आएगा 35, नीचे आएगा 15। अभी डिवाइड करो, 5 7 35, 5 3 15, तो आंसर आएगा आपका 7/3। उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट पकड़ा है? क्यू पॉइंट पकड़ा है ना, तो हमने लिया क्यू एम अपॉन एम आर लिया। अभी क्या ले लो? क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पॉइंट पकड़ के। तो क्या लेंगे? हाँ क्यू पी अपॉन पी आर लेंगे। तो क्यू पी कितना दिया है? 7, और पी आर 3। तो दोनों रेशियो क्या है? दोनों रेशियो इक्वल आ गया है ना, दोनों हाँ रेशियो क्या है? इक्वल है ना, 7/3। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या लिखेंगे? क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू पी अपॉन पी आर लिखेंगे। आएगा समझ में? तो चाहिए तो आप इसको क्या करो, इक्वेशन 1 दे दो, और इसको इक्वेशन 2, और रीजन लिखेंगे फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखेंगे, तो इससे क्या पता चलता है, ये दोनों रेशियो इक्वल आ गया, इससे क्या पता चलता है, रे पीएम इज द, क्या पता चलता है, रे पीएम इज बायसेक्टर ऑफ, इज बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर ना, इज बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, रीजन क्या लिखेंगे इसका, एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आएगा समझ में? हाँ चलो सॉल्व करो इसको, फिर नेक्स्ट बता दो। देखो सेकेंड क्वेश्चन इसमें भी वैसा ही करना है ना, सेकेंड क्वेश्चन दिया है तो देखो अभी क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे, आर पकड़ता हूँ, आर से कैसे लिखूंगा, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू है ना, तो आर एम कितना दिया है, 6 दिया है ना, आर एम कितना 6 दिया है, 8 दिया है, तो 2 3 6 और 2 4 8 आएगा, फिर उसके बाद आर पकड़ के साइड ले लो ट्रायंगल का, तो आर पी अपॉन पी क्यू आ जाएगा, आर पी अपॉन आर पी कितना दिया है, 7 और 10, इसको डिवाइड नहीं होता, तो दोनों रेशियो इक्वल है क्या, नहीं, नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर आर एम अपॉन एम क्यू इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, आर पी अपॉन पी क्यू लिखेंगे, रीजन क्या दे, अभी क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, रे रे पी एम इज नॉट बायसेक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, इज नॉट बायसेक्टर ऑफ, इज नॉट बायसेक्टर ऑफ क्यूपीआर, इज नॉट बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, एंगल क्यूपीआर लिखेंगे, रीजन क्या देंगे, एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ट्रायंगल, आया समझ में? चलो लिखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो इन ट्रायंगल पीक्यूआर है ना, इन ट्रायंगल पीक्यूआर पीएम दिया है 15, पीएम कितना दिया है, 15 दिया है, उसके बाद पीक्यू दिया है, पीएम दिया है 15 और पूरा जो पीक्यू है वो दिया है, पूरा जो पीक्यू है वो दिया है 25, तो एमक्यू कितना आएगा आपका, एमक्यू, एमक्यू कितना आएगा, 25 minus 15 ना, 25 minus 15 करेंगे ना, आएगी समझ में, क्योंकि पूरा पीक्यू 25 है और उसमें से आधा पार्ट पीएम 15 है, तो जो बचा हुआ पार्ट एमक्यू कैसे निकालेंगे, 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, आएगा समझ में? उसके बाद क्या दिया हमें, पीआर 20 दिया है, पीआर पूरा पूरा पीआर 20 दिया है और उसमें से एनआर 8 दिया है, एनआर 8 दिया है, तो पीएन कितना आएगा बताओ, तो उन्होंने क्या बताया क्वेश्चन, स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू, हमें क्या दिखाना है, जो लाइन एनएम है ना, ये जो लाइन एनएम है हाँ, तो पैरेलल दिखाना है ट्रायंगल के साइड आरक्यू को पैरेलल दिखाना है, हाँ आएगा समझ में? तो हमने जो बीपीटी, जो बीपीटी यूज किया था, देखो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसमें क्या था ऑलरेडी गिवन, क्या दिया था, एक साइड ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल दिया था ना, पैरेलल हाँ, फिर हमने रेशियो लिखा था है ना, फिर हमने रेशियो लिखा था है ना, एपी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, ऐसा रेशियो लिखा था है ना, तो पर अभी इसमें क्या है, उल्टा है, हमें इधर क्या दिखाना है, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल दिखाना है ना, क्या तो हम इसमें थ्योरम यूज नहीं करेंगे,
बीपीटी का कॉन्वर्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बीपीटी का कॉन्वर्स, यानी कि जब पैरेलल लाइन दिखाना रहता है तो आप क्या यूज करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। और सपोज गिवन में दिया रहता क्वेश्चन में लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी ऐसा कुछ दिया रहता, तो हम क्या यूज करते हैं, बीपीटी थ्योरम यूज करते, क्या यूज करते हैं, बीपीटी थ्योरम। हाँ अभी पैरेलल दिखाने के लिए जो एनएम बीपीटी थ्योरम यूज हो रहा है, हाँ पैरेलल रहेगा तो ही बीपीटी थ्योरम यूज होता है, और सपोज पैरेलल दिखाना रहेगा तो बीपीटी थ्योरम के अपोजिट यूज करने के, यानी कि कॉन्वर्स यूज करने, आया समझ में। तो एनएम पैरेलल दिखाना, तो पहले मैं रेशियो लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, पी पकड़ के PN अपॉन NR, PN अपॉन NR, बराबर ना, PN अपॉन NR, PN कितना दिया है 12 दिया है, 12 और NR कितना 8 है, 8 तो 4 2 12, 4 2 8, 3/2 आएगा। उसके बाद P पकड़ के ही क्या लिखेंगे, PM अपॉन MQ लिखेंगे ना, आएगी समझ में, PM अपॉन MQ लिखेंगे, PM कितना दिया है 15 दिया है और MQ कितना है 10 है ना, तो 5 3 15, 5 2 10, दोनों का रेशियो कैसे आ गया, इक्वल आ गया ना दोनों का रेशियो, तो हम क्या लिखेंगे, PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ लिखेंगे, है ना। और रीजन क्या हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो NM है वो किसको पैरेलल है, NM इज पैरेलल टू साइड PQ को, RQ को पैरेलल। रीजन क्या लिखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ BPT, क्या लिखना है, रीजन आया क्या समझ में। चलो लिखो इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल MNP है ना, ट्रायंगल MNP दिया है और क्या दिया है, NQ is bisector of angle A, है ना, NQ क्या है, bisector है ना, देखो ये वाला NQ, ये NQ क्या है, bisector of angle A दिया है, MN दिया है 5 दिया है, MN 5 दिया है, PN दिया है 7 दिया है, और MQ दिया है 2.5 दिया है, find QP निकालना है, क्या निकालना हमें, QP निकालना है, तो इधर क्या यूज करेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। हाँ तो कैसा यूज करेंगे, सपोज देखो मैंने पॉइंट पकड़ा एम, तो क्या होगा, MQ अपॉन QP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नहीं बाइसेक्टर एक करके बोला है ना, तो दोनों रेशियो इक्वल लिखने का, आएगी समझ में, बाइसेक्टर करके उन्होंने बोला है इसलिए दोनों इक्वल लिखने का, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल बाइसेक्टर सर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हाँ प्रॉपर्टी लिखो नहीं तो थ्योरम लिखा, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। दोनों रेशियो क्यों इक्वल लिखा, क्योंकि उन्होंने दिया है NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल NDI, इसलिए इक्वल लिखा। तो MQ कितना दिया है 2.5, QP निकालना है, QP ऐसे रखो, और जो MN दिया है 5 और 7, अभी क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो QP से 5 को, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू QP, है ना, क्रॉस में, तो QP इज इक्वल टू आपका कितना आने वाला है, QP इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 होल थिंग इज डिवाइडेड बाय कितना आएगा,
हाँ डिवाइडेड बाय फाइव आएगा है ना. अभी फाइव वन जा फाइव, फाइव जीरो जा जीरो, पॉइंट लिखो, फाइव फाइव जा 25, यानी कि क्यू पी इज इक्वल टू 0.5 × 7 है ना. तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा आपका 3.5. तो क्यू पी का आंसर कितना आया 3.5 आया. आया क्या समझ में? क्वेश्चन क्या दिया है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन बिलो, प्रूव दैट एपी अपॉन पीबी. क्या प्रूव करना है हमें? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी है ना. क्या प्रूव करना है? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? एक्यू अपॉन क्यूसी. ऐसा रेशियो कब इक्वल आता है? जब पीक्यू हम क्या करेंगे, पीक्यू को किसको पहले दिखाएंगे? सपोज हमने पीक्यू बीसी के साथ पैरेलल दिखाया तो हम क्या लिख सकते हैं? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी बाय बीपीटी. आया क्या समझ में? तो इधर देखो, एंगल एपीक्यू, एंगल एपीक्यू किसके साथ इक्वल आएगा? एंगल एबीसी के साथ इक्वल आएगा ना. 60 डिग्री है ना दोनों एंगल. एंगल एपीक्यू 60 डिग्री है और एंगल एबीसी 60 डिग्री है ना. ये क्या दिया है? गिवन दिया है दोनों इक्वल आएगा. गिवन नहीं दिया है, एक्चुअली हमने देख के लिखा है 60 डिग्री. इसलिए तो हम इधर क्या कर सकते हैं, देखो दोनों एंगल इक्वल आ गया है ना, दोनों एंगल इक्वल है. तो जब दो पैरेलल लाइंस रहेंगे, यानी कि एक करस्पोंडिंग एंगल है ना एक्चुअली, ऐसे ऊपर वाले दोनों एंगल है ना, इस लाइन के ऊपर ये एंगल पी है और बीसी के ऊपर एंगल ये 60 डिग्री दिखा है. तो ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि दोनों एंगल क्या है? करस्पोंडिंग एंगल है. बोथ एंगल्स आर क्या है? करस्पोंडिंग एंगल है ना. आए क्या समझ में? कौन सा एंगल है? करस्पोंडिंग एंगल है ना. करस्पोंडिंग एंगल, जब दोनों एंगल करस्पोंडिंग एंगल रहेंगे तो हम करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस यूज कर सकते हैं है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, पी क्यू पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं? बीसी लिख सकते हैं ना, क्योंकि करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस. रीजनिंग के क्या लिखेंगे? करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस. आएगा समझ में? देखो एंगल एपीक्यू कितना है? 60 डिग्री है और एंगल एबीसी कितना है? 60 डिग्री. दोनों एंगल इक्वल है, पर ऑब्जर्व किया अच्छे से, दोनों एंगल कैसे करस्पोंडिंग एंगल से ना, दोनों एंगल कैसे करस्पोंडिंग एंगल से है ना. आए के समझ में? और ये दोनों एंगल पीक्यू और बीसी के ऊपर है, तो पीक्यू पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं. रीजन क्या लिखेंगे? करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस है ना. जब करस्पोंडिंग एंगल इक्वल रहेगा उस लाइन के ऊपर तो दोनों लाइंस पैरेलल हो सकता है, करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस. आया कि समझ में? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस तो अभी लिख सकते हैं ना आप, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी लिख सकते हैं ना बाय बीपीटी पैरेलल लाइन है ना. तो पीक्यू और बीसी पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्यूसी, एक्यू अपॉन क्यूसी लिख सकते हैं. रीजन क्या देना पड़ेगा आपको? बाय बीपीटी, बाय बीपीटी नहीं तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. आया समझ में? लिखो, इजी है.